और एक बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में आप जानते हैं चर्चा चल रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर लगाए गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के आरोपों पर जबरदस्त हंगामा हुआ। राजनाथ सिंह ने जवाब दिया, अमित शाह ने जवाब दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद ने कहा था कि 370 का प्रस्ताव तो खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेकर आए थे। इस पर भड़के राजनाथ सिंह और अमित शाह कि ये बात तथ्यपूर्ण नहीं है, इन बातों को रिकॉर्ड में भी नहीं रखना चाहिए, बकवास, बेबुनियाद आरोप। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद की तरफ से बिना सबूत कोई बयान ना दें, ये भी कहा गया। और उन्होंने कहा माफी मांगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद। गोपाल स्वामी अय्यर की तकरीर पढ़िए और आप कह रहे हैं कि हमने 370 बादलना दिल नाखास्ता किया। भाई सबकी आशीर्वाद से, मुखर्जी के आशीर्वाद से 370 बना। किसी ने विरोध में कुछ बोला कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में? लाइए यहाँ पर देखिए, उन्होंने वो उन्होंने क्या विरोध किया? क्या बिल्कुल सत्य से दूर बात कह रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण 370 बना? कहीं पर भी रेफरेंस ला के दिखा दे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 370 की बात करी? ये सदन सत्य से दूर बात नहीं सुन सकता। माननीय अध्यक्ष जी, बोलने का अधिकार का मतलब यह नहीं है क्या सत्य बात हम यहां रख देंगे? कहां पर, मैं मसूदी साहब से पूछना चाहता हूं, कहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 370 का स्वागत किया? जान दे दी है सब 370 हटाने के लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? विचार व्यक्त करते हुए यह कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही 370 का प्रस्ताव लाया था, तो मैं चाहता हूं कि इसको वो ऑथेंटिकेट कर दें। मैं चाहता इसका कोई ना कोई रेफरेंस आपके पास होगा तो रेफरेंस की भी इस सदन में चर्चा करें तो ज्यादा उचित होगा। इतना ही कहना, यदि नहीं है, इसका रेफरेंस नहीं है, तो आपको सदन से क्षमा मांगनी चाहिए। यही मैं जी मीडिया संवाददाता रविंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, माफी मांगी इन्होंने? देखिए, हुसैन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पार्टी की तरफ से अपने विचार रखे, जाहिर तौर पर उन्होंने ऐसी बात कही है जो इतिहास में भी नहीं है और जिसके कारण से एक श्याम प्रसाद मुखर्जी ने अपनी जान दे दी और पूरी पार्टी बीजेपी की उसी विचारधारा पर आगे बढ़ते रही। और आज आप देखिए कि थोड़ी देर बाद ही, चंद घंटों बाद ही 370 पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा जब दोनों सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति से मुहर लगेगी। तो कहीं ना कहीं एक झूठा तथ्य ऐसा जब माना जा रहा है कि उन्होंने रखा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट में थे और 370 पर जब मुहर लगी थी तो वो कैबिनेट में सदस्य थे, जबकि होम मिनिस्टर अमित शाह ने पूरी तरह से सफाई भी दी कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में हुआ। जब उसके बाद कैबिनेट में जब तब आया जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली भंग हुई और अधिकार मिला कैबिनेट को, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन ये बात कंस्टिट्यूएंट असेंबली में थी, न कि कैबिनेट में थी। पूरी सफाई दिया गया, बावजूद इसके वो नहीं मान रहे थे। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि फारूक अब्दुल्ला जो नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो अपने घर पर है, उन्होंने सफाई दी अमित शाह ने कि ना तो हिरासत में है ना गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, क्योंकि लद्दाख वो अलग यूनियन टेरिटरी, लद्दाख से सांसद। ये हमने कहा था।